ये गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक्लोनिंग पे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ वी गार्ड की तरफ से आने वाला रूम हीटर, जिसको हम बोलते हैं क्वार्ट्ज रूम हीटर। जी हाँ दोस्तों, 800 वाट का ये रूम हीटर है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। 1 ईयर की वारंटी मिलती है वी गार्ड की तरफ से। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कैसा है हमारा अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस। और सबसे पहले दोस्तों बॉक्स के ऊपर देखते हैं, तो बॉक्स के ऊपर जैसा कि आपको एक बड़ा सा बोल्ड पिक्चर दिख रहा है इसी वी गार्ड के रूम हीटर का, और यहाँ पे आपको लिखा है इलेक्ट्रिक रूम हीटर, क्वार्ट्ज रूम हीटर, और यहाँ पे रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस। 800 वाट इसका पावर कंजप्शन है, 1 ईयर की वारंटी है, और ISI मार्का के साथ आता है। इसका मतलब पूरी तरह से बेहतरीन प्रोडक्ट है ये। अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ दूसरी साइड में क्या लिखा है। तो यहाँ पे आप गौर करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक रूम हीटर 800 वाट 230 वाट AC 50 हर्ट्ज पे चलता है, एक क्वांटिटीज के अंदर। सितंबर 2018 का बना हुआ है, मुझे लगता है थोड़ा सा पुराना प्रोडक्ट मिल गया, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों। 1225 रुपये इस पे MRP रेटेड है, लेकिन ये मुझे पड़ा है कुछ कम दाम में, मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको बताता हूँ। सबसे बड़ी खासियत है दोस्तों, मेड इन इंडिया है। जैसा कि हम चाइनीज आइटम्स का जो है कि विरोध कर रहे हैं, तो यहाँ मेड इन इंडिया काफ़ी बेहतर जो है प्रोडक्ट बन के आता है। और यहाँ पे आपको इसका बारकोड वगैरह मिलेगा, आप स्कैन करके इस प्रोडक्ट की पूरी जानकारी ऑनलाइन ले सकते हो। दूसरी साइड में अगर बात करें तो आपको यहाँ पे कुछ भी देखने को, जो चीज़ें पीछे देखने को मिलती है सेम वही चीज़ें हैं, तो इस पर क्या बताना है। और दूसरे साइड में अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको एक इमेज मिल जाता है वीगार्ड का। नीचे की अगर बात करें तो आपको यहाँ पे इसका सारा चीज़ बता रहा है कि काफ़ी अच्छा स्लिक डिज़ाइन है, इंस्टेंट हीटिंग देता है, ऑटोमेटिक ट्रिप पावर प्रोटेक्शन वगैरह दे रखा है। बाकी सारी चीज़ें दिखा हुआ है कि कितने देर में ठंडा होता है, कितने देर में गर्म होता है, ये सारी चीज़ें। तो चलिए इन सब में देर नहीं करते हैं, फटाफट से बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बॉक्स को लिया ऊपर की तरफ से, यहाँ पे जैसा कि टेप लगा हुआ है बॉक्स, तो मैं इसे फटाफट से कर दूंगा। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसे अच्छे से यहाँ से मैं ब्रेक कर देता हूँ इसके सील को। एक्चुअली सील क्या है, टेप ही लगा हुआ है। मैं तो दुकानदार ने मुझे खोल के दिखाया था इसे, और ये देखिए दोस्तों फाइनली मैंने इसे ओपन कर दिया है। ओपन क्या कर दिया, इसे फाड़ी दिया है। तो चलिए ये देखिए, फर्स्ट कुछ लोग ऐसा दिखता है। यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको मिलता है, दोनों साइड में इसके थर्माकोल्स वगैरह लगे हुए हैं, यानी इसका प्रोटेक्ट काफ़ी अच्छे से बॉक्स जो है कि प्रोटेक्ट करके इस डिवाइस को भेजा गया है। तो ये थर्माकोल मैं साइड में रख देता हूँ, ये बहुत उड़ते हैं दोस्तों, घर वाले बड़े बोलते हैं इसके लिए। तो इसे मैं निकालता हूँ और बॉक्स को साइड में गिरा दूंगा। तो ये है दोस्तों, ये है इसकी पावर कार्ड, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसे मैं बाद में दिखाता हूँ। तो चलिए मैं इसे सीधा कर देता हूँ। ये है दोस्तों कुछ फर्स्ट लुक, यहाँ पे थर्माकोल्स वगैरह लगे हुए हैं, मैं इसे निकाल देता हूँ थर्माकोल। तो इसे भी मैं साइड कर देता हूँ और इसे भी मैं साइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको मिलता है एक नॉब, जो कि इस रॉड के क्वांटिटी यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 0। जब आप ऑन पे करोगे तो सिर्फ आपका ऊपर वाला एक रॉड जलेगा,